संत वृंद, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, सत्संग का आज पहला दिन है और पहली सभा भी है। बीजक पाठ से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, संतों के भक्तों के भजन सुने और पूज्य श्री साहेब जी का आगमन का वक्त हो चुका है। थोड़ा सा समय उतना ही जितने में वे मंचस्थ न हो जाएं। सत्संग हर बार हर साल हुआ करता है और न केवल यहाँ की बात है कि साल में एक बार बड़ा सत्संग होता है, साल के अन्य महीनों में भी कभी कभी सत्संग का आयोजन होता रहता है। आसपास के गांव में अन्य आश्रमों में भी सत्संग का आयोजन होता है। यह जीवन में बार बार सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ती चली जाती है, अर्थात सत्संग का हमारे जीवन से क्या संबंध है? ये तो हम जानते हैं कि भोजन का संबंध है, कपड़े का संबंध है, अन्य जीवन गुजर की जो चीजें होती हैं उन सब की का संबंध है, लोगों का संबंध है, सत्संग का क्या संबंध है? हम ये जानते हैं कि भोजन नहीं करेंगे तो शरीर नहीं रहेगा, कपड़े एक सामाजिक मर्यादा है और ठंडी गर्मी के निवारण के लिए भी कपड़े खासकर मनुष्यों के लिए तो है, अन्य प्राणियों को तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखना है और साथ साथ में ठंडी गर्मी का भी ध्यान रखना है शरीर रक्षा के लिए, तो उसका भी संबंध हम जानते हैं। और रहने की जगह चाहिए और इसीलिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से अब्राहम मैस्लो एक बहुत बड़े विचारक हो चुके हैं, उन्होंने मनुष्य की पांच महत्वपूर्ण जो क्रमिक आवश्यकता है उसके बारे में उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से वर्णन किया है और ये पूरी दुनिया में ये मैस्लो का सिद्धांत चर्चित है। तो पहले में ही वो भौतिक को रखते हैं, शरीर को रखते हैं, जिसमें हवा पानी और भोजन इत्यादि की उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद आगे चल करके फिर संबंध के बारे में बताए हैं, फिर और इमोशंस के बारे में बताए हैं, फिर अंत में वो बताते हैं कि हमारी जो आध्यात्मिक के बारे में आध्यात्मिक उन्नति, तो अध्यात्म का भी चिंतन तब हो पाएगा जब आप इन सब चीज़ों की पूर्ति करते चले जाएंगे। भोजन की पूर्ति नहीं होगी, भूखा कोई हो और उसे आत्मा का ज्ञान दो, नहीं प्रवेश होगा। इसलिए ये पहली आवश्यकता है। लेकिन सत्संग के बात जो चल रही है कि सत्संग का क्या संबंध है, हम भोजन न करें तो शरीर का तो अंत हो जाएगा, सत्संग न करें तो ऐसा नहीं है कि हम जीवन में
या हमारी मृत्यु हो जाएगी या हम कमजोर पड़ जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है। इसके बावजूद हम सत्संग के लिए मेहनत करते हैं, अर्थ और समय लगाते हैं, कुछ तो है, कुछ तो इसका महत्व है। इसके महत्व को हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि हम लोगों का जीवन दो तत्वों का संगम है, भौतिक और अभौतिक। और भौतिक के विषय में बताया कि हम भोजन कपड़े को महसूस करते हैं क्योंकि वह भौतिक है, भौतिक जो दिखाई दे। दिखाई का मतलब आंख से केवल नहीं, इंद्रिय ग्राह्य हो। और एक दूसरा जो इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है, जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, लेकिन वह जो भावनात्मक है, अंतरात्मा से संबंधित है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका भी संबंध है, उसकी भी आवश्यकता है। इसलिए हम इन सब चीजों के लिए सत्संग करते हैं। मैंने कहा कि शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, फिर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से हमारी अंतरात्मा, हमारी मानसिक स्थिति भी कमजोर पड़ जाती है। कब? जब उसको पर्याप्त और सही खुराक नहीं मिलती है। इसलिए उसके लिए भी सही खुराक की जरूरत है, सही खुराक की। और उस सही खुराक के बिना, जैसे मैंने कहा ना, भोजन के बिना शरीर की क्या स्थिति होती है, ऐसे ही उसके बिना भी शरीर तो भले देखने में भला चंगा लगे, लेकिन भीतर से हम कमजोर होते चले जाएंगे और हमारा मन इतना कमजोर होगा कि छोटी छोटी समस्या भी हमारे लिए बड़ी होती चली जाएगी। ऐसा होता है, लोगों को देखें आप, अपने परिवार, समाज या मित्रों के बीच कुछ ऐसे लोग मिलेंगे और उनसे बात करेंगे तो वो बहुत छोटी छोटी समस्याओं को इतना तुल देते हैं और इतने उसका विस्तृत वर्णन करते हैं कि उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो छोटी समस्या भी उनके जीवन को इतना प्रभावित कर लेती है कि आदमी बहुत थोड़े में डिप्रेस हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी समस्याओं में भी विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो बलवान है, ऐसा नहीं है। गांधी जी का शरीर कोई बहुत बलवान नहीं था, कि ऐसा नहीं कि कोई बॉडी बिल्डर थे। आप देखें उनके जीवन में समस्याएं आई थी कि नहीं आई थी, तो ऐसा थोड़ी कि उनको हर समय कोई डंडे मार रहा था, कोई उस पर वार कर रहा था। कभी ऐसा हुआ? कभी हुआ, लेकिन बाकी समय तो पूरे देश की उन्हें चिंता थी और इसके लिए समस्याएं आई, लेकिन क्या वे विचलित होते थे? याद है हुआ कि बारडोली का आंदोलन उस समय बहुत जोरों पर था, पूरी तरह से सैलाब कि भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था। उसी समय शायद कोई ऐसी घटना घटी जो अप्रिय घटना थी, कहीं पर हिंसक घटना घटी, तो फिर गांधी जी ने कहा कि इसको रोक दो, अभी हम लोग का आंदोलन रोक दो। ये बहुत बड़ी बात थी, शायद वहां की बात है कि कहीं की बात है। तो उनको सूचना मिली कि कुछ ही देर में पुलिस आ करके आपको अरेस्ट कर लेगी और जेल में ले जाने वाली है। तो पूछा कितना समय लगेगा, तो यही आधा पौन घंटे, घंटा भर ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, आधा घंटा टाइम है, तो एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में विश्राम कर लेता हूँ।
मैं समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर जाके मैं विश्राम कर लेता हूँ। अब आप और हम में से कहे कि चलो अभी चेल चलना है, और कितने लोग विश्राम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सही है ना? हम बेचैन हो जाएंगे। लेकिन वे भीतर से इतने स्ट्रांग थे, इतने आत्मविश्वासी थे कि जब देख रहे हैं कि जेल के ले जाने के लिए पुलिस आने वाली सूचना पहले से आ चुकी है, इसके बावजूद वो बड़े निश्चिंत और कहे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तो कमाल है ना। मैं ये कह रहा था भीतर से मजबूत होना ये कैसे होगा? शरीर से मजबूत होना एक बात है और भीतर से मजबूत होना बिल्कुल अलग बात है। हमें क्या करना है? भीतर से मजबूत होना है। तो क्या होगा? हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, ये निश्चित रूप से सबके जीवन में आती है। ऐसा कोई जीवन होता ही नहीं है कि जिसमें समस्या ना हो। समस्या रहित जीवन होता ही नहीं है। चाहे वे जिन्हें आज हम महापुरुष करते कहते हैं, चाहे वो पूर्व के हों चाहे वर्तमान के हों, यदि उनके जीवन को खंगाला जाए, उनके कोई जीवन के विषय में अध्ययन किया जाए, उनके जीवन चरित्र को पढ़ा जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके जीवन की समस्याओं के सामने तो हम लोगों के जीवन में वैसी समस्या है ही नहीं है। एक संस्मरण आया ख्याल, गुरुदेव जी एक जगह कहीं थे तो एक आदमी आया और उसने कहा कि महाराज जी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ। गुरुदेव जी ने कहा क्या तुमने दुनिया भर का सर्वेक्षण कर लिया है? अरे महाराज सुनो तो सही कि इस दुनिया में सचमुच कह रहा हूँ मेरे से ज़्यादा दुखी कोई है नहीं है। तब गुरुदेव जी ने कहा अच्छे बताओ घर से निकाल दिए गए हो? नहीं महाराज घर में रहता हूँ। अच्छा तुम्हारी पत्नी को कोई छीन के ले गया है? अरे नहीं महाराज घर में है पत्नी। तब उन्होंने क्या कहा भगवान राम से तो ठीक हो ना, भगवान राम से तो ठीक हो, वे तो अपने राज्य से निष्कासित थे और उसकी पत्नी को एक जबरदस्त मतलब बहुत ही प्रसिद्ध आदमी उसको ले गया था, वो भी हर करके छीन मतलब चुरा करके ले गया था। गजब बात है। और आप मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप और हम जो समस्या मार रहे हैं ना, यदि आप देखेंगे दुनिया में खड़े होकर के झांक करके तो आपको लगेगा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बहुत पुरानी बातें कही जाती है। एक आदमी मस्जिद को जा रहा था और उसके उसको जूते नहीं थे और गर्मी थी और नीचे जमीन बहुत तप रही थी तो पैर जल रहे थे, तो वो शिकायत कर रहा था कि या अल्लाह मियाँ मैं मुझे इतनी भी आपने वरदान या इतनी भी व्यवस्था नहीं की कि मैं एक जूता पहन करके मस्जिद तक जा सकूं, आपका नमाज अदा कर सकूं। तो ऐसा करते करते जा रहा था शिकायत करते करते, और जब तक मस्जिद पहुंचा तो वहां देखा एक आदमी ऐसा बैठा था जिसके दोनों पैर नहीं थे और वो भी आया था। उसने कहा तब उसको देख करके लगा या खुदा मैं आपके प्रति कितना शुक्रगुजार हूं, मुझे जूते नहीं दिए तो नहीं दिए लेकिन दोनों पैर तो सलामत हुआ है, दोनों पैर तो दिए। तो हम यदि अपने जीवन को देखेंगे तो लगेगा नहीं मेरे जीवन में वो समस्या नहीं है जो दूसरों को में है। तो लगती क्यों है हमारी समस्या ज्यादा? क्योंकि हम भीतर से कमजोर हैं बहुत। गुरुदेव जी कहा करते थे एक होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर। अभी देखो कुछ थोड़े समय की पहले की बात, कोरोना काल था सब जानते हैं। अच्छा कौन नहीं जानता कोरोना के बारे में? सभी जानते हैं, हाँ सभी जानते हैं।
तो उस समय जिनको भी कोरोना हुआ उनमें से बचा कौन, जरा ख्याल करेंगे, बचा कौन? अच्छा बहुत धनी आदमी बचे उसमें, अच्छा बहुत विद्वान बचा, वही लोग बचे जिनका रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा थी। और ऐसे भी सुनने में आया था कि उसके उसमें तो उस आदमी में तो कोरोना आया और चला भी गया था, ऐसा भी हुआ। इसका मतलब है उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा थी। गुरुदेव जी कहते थे ऐसे ही दुख प्रतिरोधक क्षमता, दुखों से लड़ने की क्षमता, ये कहां से आएगी? रोगों से लड़ने की क्षमता तो आप अपने खान पान को बदलाव करके, संयम करके, व्यायाम करके, या और भी उसके लिए चिकित्सक गण बताते हैं ऐसा करो तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। रोग आएगा तो वह जल्दी चला जाएगा। पहली बात तो रोग आएगा भी नहीं, आएगा तो जल्दी चला जाएगा। दुख प्रतिरोधक क्षमता कैसे, दुख कैसे चला जाएगा? साहब कहते थे, गुरुदेव जी कहते दुख आएगा नहीं पहली बात तो, अच्छा आएगा तो वो जल्दी चला जाएगा, क्योंकि दुखों से पार जाने की शक्ति उसने डेवलप कर ली, विकसित कर ली है। समस्याओं से निजात पाने की वह अपनी भी शक्ति विकसित कर ली है। मैं यही कहना चाहता हूं कि वो शक्ति कहां से विकसित करें, वो कहां से करें? आप खा करके नहीं, खा करके नहीं, कुछ अलग है उसका रास्ता, उसका ढंग। तो उसका ढंग, उसके लिए खुराक कहां से मिलती है? उसके लिए कहीं भी अलग खुराक मिलने वाली नहीं है। उसकी खुराक मिलती है दो जगह से, दो साधन है, और भी हो सकते हैं लेकिन मैं प्रायः दो को कहता हूं। एक है सुनकर और दूसरा है पढ़कर। सुनकर पढ़कर, सुनकर क्या है? अच्छे विचारों को सुनकर और अच्छे विचारों को पढ़कर। अर्थात जब आप अच्छे विचार सुनते हैं तो क्या होता है? अच्छे विचार, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहां पर? सत्संग का मतलब यही हुआ ना, यहां से बातें कही जा रही है और वह आपके श्रवण द्वार से आपके भीतर, अब ये आवाज तो दिख नहीं रही है, आवाज तो दिख नहीं रही है, क्या भीतर जा कुछ नहीं रहा है? भीतर जा रहा है। अब उसके जो इंपैक्ट होता है, उसका जो प्रभाव है, इसको कम मत मानिए आप। क्या कहा मैं? ये जो विचार आपके भीतर जा रहा है, ये बहुत ही प्रभावित करता है हमारे जीवन को। आप कहेंगे उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ आवाज सत्संग सुन लो तो कोई बदलाव आता है? शब्दों का इतना प्रभाव पड़ता है। ये तो शब्दों के बारे में मैं एक चीज कहूं आपको, या भी आपको कोई गाली दे दे, क्या गया? शब्द ही तो गया। अब तिलमिला जाएंगे, सही है कि नहीं? प्रभावित किया कि नहीं किया? साहब की पंक्ति याद करो, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो कहने का मतलब है जब हम अच्छे विचार सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भीतर वो शक्ति बढ़ती है। पूज्य श्री साहेब जी हम सबके बीच पधार रहे हैं। बोलिए सदगुरु देव की। कुर्सी पर वही लोग बैठे हैं जिनको सचमुच तकलीफ है, कमर में या घुटने में। साहेब बंदगी, साहेब साहेब, वही लोग बैठे हैं, सामने आके बैठे। माताएं थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, थोड़ी सी आगे आ जाओ। देखो श्रोता और वक्ता का थोड़ा सा आई कांटेक्ट भी होना चाहिए, एक दूसरे का थोड़ा संबंध भी होना चाहिए। आड़े तिरछे बैठेंगे तो उसको व्यवस्थित सभा नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप सभी एक काम करें कि सामने आके बैठें तो फिर एक व्यवस्थित सभा में व्यवस्थित विचार कहने का मन भी बनता है। मन क्या बनता है? व्यवस्थित विचार निकलते भी हैं, उसको निकालना नहीं पड़ता है, वो होने लग जाते हैं। इसलिए आप सभी जिनको सचमुच तकलीफ है, कुर्सी उनके लिए रखी गई है। जिनको अब बूढ़े बुजुर्ग हैं, कमर में दर्द है या घुटनों में प्रॉब्लम है तो बैठ लें, कोई बात नहीं है। लेकिन अब
सामने बैठे तो अच्छा है। बहरहाल ये कुछ बातें मैंने कही कि हमारे जीवन जीवन में जीवन का सत्संग और जीवन का संबंध क्या है, सत्संग और जीवन का संबंध क्या है। तो मैंने कहा भौतिक चीज़ों का संबंध तो हम सभी महसूस करते हैं, लेकिन जो अभौतिक है, जीवन ही हमारा दो कैसे खड़ा है, उस अभौतिक के महत्व को भी समझें और ये दोनों मिलकर के जीवन की पूर्णता होने वाली है। तो ये सत्संग एक माध्यम है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है, और हम भीतर से जब मजबूत बनते हैं तो हमारी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटी हो जाती है और हम अच्छा जीवन जीने लगते हैं। साहब जी विराजमान है, भजन होने वाला होगा, मैं अपनी वाणी को विराम दूं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब।